आज भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता, दुनिया दे रही है बधाई संदेश। पीएम ने बताया था भारत के लिए एक बड़ा अवसर। देश के 50 शहरों में G20 से जुड़े आयोजनों की तैयारी का रखा गया लक्ष्य, दुनिया में भारत के पर्यटन स्थलों की बढ़ेगी लोकप्रियता, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को मिलेगा बढ़ावा। जीएसटी कलेक्शन को लेकर आई गुड न्यूज, नवंबर में जीएसटी कलेक्शन में 11% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज, 1,45,00,000 से ज्यादा रहा कलेक्शन। देश में लेन देन का तरीका बदलने की दिशा में बड़ा कदम, आज से डिजिटल करेंसी यानी ई रुपए की शुरुआत। देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर से पायलट प्रोजेक्ट का आगाज, यहां के ग्राहक और व्यापारी लेन देन के लिए डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कर सकेंगे। गुजरात चुनाव में दिखे तरह तरह के रंग, आदिवासी लिबास में वोट डालने पहुंचे, जम्बूर गांव के बसिंदे, मिनी अफ्रीका कहलाता है ये गांव, पहली बार हुई जम्बूर में वोटिंग। सूरत में मतदान के दौरान मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, जैन संप्रदाय के लोगों ने पारंपरिक परिधान में डाला वोट, परिवार के साथ जमकर डांस किया। सूरत में पहली बार वोट डालने पहुंचे युवाओं में दिखा जोश, ढोल नगाड़े बजाकर जाहिर की अपनी खुशी। गुजरात के राजकोट में राजा मंधाता सिंह जडेजा का दिखा शाही अंदाज, विंटेज कार से वोट डालने पहुंचा परिवार। गुजरात के मंगरोल में दुल्हन ने शादी से पहले लोकतंत्र की रस्म निभाई, दुल्हन के लिबास में मतदान किया। इसराइल की तरफ पर भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा तंत्र का खाका तैयार, सरहद की निगरानी में लगाए जाएंगे 5,500 अत्याधुनिक सिक्योरिटी कैमरास। सरकार ने जारी किया 30 करोड़ का बजट, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सीमाओं पर ड्रोन और थर्मल इमेजर का भी होगा इस्तेमाल। विशाखापट्टनम में कमलकोना को विकसित करने के लिए सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत होगा विकास। अयोध्या में रामराज दिग्विजय रथ यात्रा का किया गया भव्य स्वागत, देश के 21 राज्यों के साथ नेपाल के 5 राज्यों से होते हुए वापस आए यात्रा। अयोध्या में रामायण मेले का हुआ शानदार समापन, मेले में साधु संतों ने दी भगवान राम की राह पर चलने की सीख। जयपुर में गुलदाउदी के रंग बिरंगे फूलों की बहार, राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में फूलों और कई किस्म के पौधों की लगाई गई प्रदर्शनी। नगर में आज एग्जीबिशन का आयोजन, शानदार पेंटिंग्स की नुमाइश, आयोजन का मकसद युवाओं में कला के प्रति रुझान को बढ़ाना। तेलंगाना के महबूबनगर में जोंकी मिल्क का कारोबार बना लोगों के लिए फायदेमंद, जोंकी के दूध की कीमत 1500 रुपए प्रति लीटर। उदयपुर के गुलाबबाग बर्ड पार्क में ग्रीन मुनिया ने दिया 4 बच्चों को जन्म, ये चिड़िया लुप्त होने वाली प्रजातियों में शामिल है। नीतीश कुमार ने ऊर्जा सभागार में ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य का शुभारंभ किया, 2025 तक हर घर में स्मार्ट मीटर पहुंचाने की घोषणा। यूपी में मिशन मोड पर शुरू हुआ 75 घंटे का स्वच्छता अभियान, कचरा डालने की जगह का सौंदर्यीकरण करके बनाए जाएंगे सेल्फी पॉइंट्स। नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आईजीआई एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा सेवा का उद्घाटन किया। आसरा पेंशन योजना के तहत तेलंगाना में कमजोर वर्ग को पेंशन, विधवा बुजुर्गों और आश्रितों को तेलंगाना सरकार की ओर से पेंशन।
करीमगंज के कार मैकेनिक नूरुल हक ने करोड़ों की लैम्बोर्गिनी को केवल 10 लाख में बनाया। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को किया गिफ्ट। बीएसएफ मना रहा अपना 58वां स्थापना दिवस। भुवनेश्वर में हुआ विशेष समारोह। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने की शुभकामनाएं।